ये बात सच है। आज सुबह ही आनंदीबेन का पत्र मुझे मिला है। वास्तविकता यह है कि आनंदीबेन एक लंबे समय से पद मुक्ति के लिए पार्टी को बताती रही, मुझे भी दो बार बताया, प्रयाग कार्यकारिणी में भी उन्होंने बताया था, मगर एक उपचुनाव आया, गांधीनगर कॉरपोरेशन का चुनाव आया, अलग अलग कारणों से इस पर विचार नहीं हुआ। आज सुबह उन्होंने मुझे पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की है और एक अच्छी परंपरा भी बनाई है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में उनके 75 साल समाप्त हो रहे हैं और क्योंकि जो नया व्यक्ति पार्टी लाना चाहती है उसको एक समय मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने स्वयं अपने पद से मुक्त करने के लिए पार्टी को रिक्वेस्ट की है। अब ये इन्होंने जो पत्र मुझे लिखा है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा। आनंदीबेन गुजरात के मुख्यमंत्री नाते, पहले महिला मुख्यमंत्री नाते बहुत अच्छे से काम किया है। नरेंद्र भाई ने गुजरात में जो विकास की यात्रा शुरू की थी और विकास के बारे में पूरे देश में गुजरात का चर्चा हो रहा था, इस तरह से विकास हुआ था, ये यात्रा को आनंदीबेन एक अच्छे मकाम पर ले गई है। एक महिला नेत्री के नाते उनका पूरा कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल रहा और गुजरात ने इसमें चहुमुखी विकास को की सिद्धि को प्राप्त किया है। अब इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, क्या उम्र ही एक वजह थी कि कुछ और भी वजह इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, वजह एक ही उन्होंने बताई है कि अब जो नया अगर कोई व्यक्ति लाना है तो उसको एक समय मिलना चाहिए। 2017 में गुजरात का चुनाव हो रहा है और गुजरात में हमेशा वाइब्रेंट गुजरात का भी एक परंपरा है, तो जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात भी होना है, तो अगर जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात होना है तो अभी से नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, एक समय मिलना चाहिए, यही एक कारण है। जल्द से जल्द आगे नए मुख्यमंत्री का फैसला होता है? नए मुख्यमंत्री का फैसला तो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद होगा। ये पत्र मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर विचार कर जो फैसला करेगा उसको आगे बढ़ाएंगे।